हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, रेलवे जेई भर्ती परीक्षा 3/18 में रिजल्ट कह सकते हैं और पैनल भी कह सकते हैं, जेई डीएमएस और सीएमए आरआरबी अहमदाबाद में, जहां पे आपका पूरा रिजल्ट दिया है। लेकिन रिजल्ट में कुछ लोगों को बहुत कह सकते हैं विथहेल्ड रखा गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकता है, आरआरबी ने यहाँ डिक्लेयर किया है। इस पैनल को देखने के लिए हमें वेबसाइट पे चलना होगा, क्योंकि और आरआरबी पे पैनल आ रहे हैं, उसी तरह अहमदाबाद में वाले में भी देख सकते हैं। या तो आप यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो सबसे ऊपर ही मिलेगा परिणाम। यहाँ देखें में आप देख सकते हैं रिजल्ट फॉर वेरियस पोस्ट जेई डीएमएस सीएमएस अगेन सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 3। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ देखना चाहेंगे तो यहाँ भी ये पैनल मिल जाएगा आपको 3/18 वाले में। 3/18 ये देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो 20 तारीख के डेट में पैनल आ गया है, आज है 21 तारीख। तो इसको ओपन करेंगे तो आपका पैनल एक क्लियर बिल्कुल साफ साफ, जैसा कि सभी पोस्टों के यहाँ पैनल साफ साफ आया है, ये भी आया है। और कैटेगरी वाइज इन्होंने हर पेज को अलग अलग कर दिया है। तो कैटेगरी नंबर 2 देखिए, जिसमें 3/18 का है, तो यहाँ पे 36 लोगों का नाम दिया है इस पैनल में। बाकी कंडीशन आपको ज्वाइनिंग के लिए सेंट्रल रेलवे WR चर्च गेट मुंबई आपको भेजा गया है रिकमेंडेशन के लिए, जिसमें से कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी का है। तो UR में 19 है, 2 कैंडिडेट की वैकेंसी PWD नहीं रहने के कारण अभी खाली रखा गया है। ऑफसेट मतलब बाद में इसको भर्ती किया जाएगा, क्योंकि PWD की पोस्ट किसी को नहीं दिया जाता है। UR का एक कैंडिडेट विथहेल्ड है। अगला OBC की 9 है, 6 कैंडिडेट आपका शेड्यूल कास्ट का और 2 कैटेगरी का आपका ST के लिए जो भी है। बाकी के प्रोसेस वेस्टर्न रेलवे के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा आगे प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि जितने भी पैनल होता है तो देखिएगा हर जगह लिखा रहता है कि रिजल्ट बनने में ध्यान दिया गया है, अगर कोई मिस्टेक होता है तो RRB के पास अधिकार है कि बाद में करेक्ट करके आपको वेबसाइट पर बताएगा। दूसरा कैटेगरी आप देखिएगा तो दूसरा कैटेगरी 3/18 है, जिसमें 96 लोगों का नाम है, 46 आपका UR का। उसके बाद UR के बाद भी यहाँ 3 वैकेंसी PWD की है विथहेल्ड में है, और 6 वैकेंसी UR के अभी विथहेल्ड रखा गया है, जो काफ़ी संख्या देख सकते हैं। उसके बाद OBC में देखेंगे तो टोटल 31 लोगों का नाम है, और OBC में एक कैंडिडेट का रिजल्ट विथहेल्ड है। 11 कैंडिडेट SC में है, इसमें भी एक आपका विथहेल्ड में है। ST में 8 कैंडिडेट हैं, तो टोटल पैनल में आपका ये देख सकते हैं। बाकी कंडीशन आपका अथॉरिटी वगैरह रिपेयर, अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह होता है तो सुधार करने का RRB का अधिकार है सेम। उसके बाद तीसरी नंबर पे कैटेगरी 12 नंबर की पोस्ट है, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर वर्ष का है, 31 कैंडिडेट का नाम है, उनमें से UR का 17 हैं। तो UR के 17 के बाद भी 4 वैकेंसी अभी विथहेल्ड में रखा गया है। 5 कैंडिडेट OBC के हैं, यहाँ भी 2 OBC का विथहेल्ड में है। उसके बाद 7 कैंडिडेट आपका SC का और ST के 2 कैंडिडेट हैं। टोटल ये पैनल आपका कैटेगरी नंबर 12 का। उसके बाद कैटेगरी नंबर 13 आता है, जिसमें जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप सिविल वाला, जिसमें एक UR के कैंडिडेट है, टोटल 2 ही कैंडिडेट है, एक SC का है, इसमें विथहेल्ड कोई नहीं है, दोनों को पैनल में नाम दिया है। उसके बाद अगला जो कैटेगरी नंबर आपका पास आएगा वो है 3/18 में कैटेगरी नंबर 15, जिसमें 54 कैंडिडेट का नाम है, 32 UR से हैं 54 में से। उसके बाद भी 2 कैंडिडेट UR का विथहेल्ड है, 2 कैंडिडेट OBC का है, OBC के साथ टोटल पैनल में है, और 9 कैंडिडेट ST के और 6 कैंडिडेट ST के इस कैटेगरी 15 नंबर के लिए अप्लीकेबल हैं, और बाकी कंडीशन अप्लाई सेम है। उसके बाद अगला कैटेगरी नंबर आपका आता है डीजल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 17, जिसमें टोटल 11 कैंडिडेट का है, जिनको CR आपका WR चर्च गेट मुंबई को भेजा गया है रिकमेंडेशन के लिए। 5 कैंडिडेट आपका UR से, 2 OBC का, OBC का एक विथहेल्ड है, 2 SC का और 2 ST का इस पैनल में कैटेगरी के नाम में है। उसके बाद अगले कैटेगरी नंबर देखेंगे तो आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप, जिसमें 14 कैंडिडेट का नाम है, और 14 कैंडिडेट में भी देखेंगे तो UR से 6, OBC में 4, लेकिन एक OBC के विथहेल्ड है,
दो कैंडिडेट आपका एससी में और दो एसटी में है, तो यहाँ भी ये पैनल का ये कंडीशन है। उसके बाद अगला आपका आएगा जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 40 नंबर है, जिसमें 6 कैंडिडेट में टोटल 14 में से 6 यूआर के हैं जो यहाँ पे आए हैं। उसके बाद दो कैंडिडेट अभी भी आने बाकी है, एक ओबीसी में भी आने बाकी है, 4 कैंडिडेट का नाम आया है, 3 एससी में, एसटी में एक, ये कंडीशन एग्जैक्ट है। उसके बाद अगला हमारा पैनल जो आएगा वो है कैटेगरी नंबर 44 जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल में, जिसमें 22 लोगों का नाम है, 22 में से 13 यहाँ पे यूआर में, दो आपके किस में है ओबीसी में, और 4 कैंडिडेट आपका एससी में और 3 कैंडिडेट एसटी में। यहाँ विथहेल्ड किसी का नहीं है, यानी रिजल्ट रोका हुआ किसी को नहीं है, यहाँ पे सबको है, तो पैनल में नाम है। उसके बाद अगला बात करेंगे तो अगला आपके पास है कैटेगरी नंबर 53 जो जेई इलेक्ट्रिकल टीआरडी, तो टीआरडी में 29 लोगों का नाम है, 17 आपका यूआर से, उसमें से दो अभी और आगे, इसके अलावा एडिशन में दो अभी विथहेल्ड में हैं। उसके 6 कैंडिडेट आपका ओबीसी का, दो अभी भी आने बाकी है, 4 आपका एससी में और 2 एसटी में, ये पैनल का स्टेटस है, यानी यहाँ पे अभी 4 लोगों का नाम आ सकता है जो विथहेल्ड में है। उसके बाद 54 नंबर कैटेगरी में देखें तो 5 कैंडिडेट हैं, 5 में से 3 आपका यूआर का और 1 अभी विथहेल्ड है और 2 ओबीसी का, यानी 3, 2, 5 आ गए हैं और आने अभी 1 और 1, 2, 1 ओबीसी में और 1 यूआर में विथहेल्ड है। तो कम से कम ये 2 तो आएंगे ही जो आगे आने वाले दिनों में, जिनका विथहेल्ड है उसकी स्टेटस क्या है क्लियर नहीं किया गया है। कैटेगरी नंबर 55 जो जेई इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, 1 कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद अगला पैनल में देखेंगे तो 55 के बाद हमारे पास आता है 63 जो एसएनटी जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, जिसमें 23 लोगों का नाम है, 23 में से 16 यूआर में और एक सर्विसमैन की खाली अभी है और यूआर की पोस्ट के लिए, और 2 आपका देख सकते हैं नॉर्मल वैकेंसी को विथहेल्ड रखा गया है। उसके बाद ओबीसी में देखिए 2 कैंडिडेट हैं, एससी में 4 और एसटी में 1 कैंडिडेट का नाम है, और ये पूरा डिटेल है। उसके बाद अगला हमारा कैटेगरी जूनियर इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी 64 ही है, जिसमें आप देख सकते हैं 16 कैंडिडेट, 12 यूआर का, 1 अभी विथहेल्ड में, उसके बाद 1 ओबीसी का और 3 आपका एससी का कैंडिडेट का पोस्ट है। उसके बाद अगला हमारा जो आता है वो एसएनटी वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 65, 1 ही कैंडिडेट का यहाँ नाम पैनल में है, उसके बाद और डिटेल नहीं है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है डीएमएस डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट कैटेगरी नंबर 67, जिसमें 5 कैंडिडेट का नाम है, 2 यहाँ से और 1 विथहेल्ड में रखे गए हैं यूआर में। उसके बाद ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 1, ये कंडीशन है और ये पैनल है। अभी इसमें सीएमए का हो सकता है, इसमें वैकेंसी नहीं होगा जिसके कारण से सीएमए की इस वैकेंसी में नहीं आया है, तो यहाँ पे डीएमए और जेई की ये पैनल आरआरबी अहमदाबाद में ये कंप्लीट हो गया है। तो ये पैनल में आप स्टेटस देखना चाहेंगे तो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।